लगा कि मैं अगर इस तरतीब में पढ़ूंगा तो चीजें बड़ी बेहतर तरीके से चल सकती हैं। अब आएगी हमारी एक बड़ी मजेदार सी स्लाइड, ये हमारा पूरा जो कोर्स है उसका मैप बता रही है। जब आप यहाँ कोर्स में आते हैं तो होता है क्या, हम पहले क्या करते थे, हम फिजिकल क्लासेस करते थे, बच्चों को बुलाते थे, उनके साथ चलते थे, लेकिन आहिस्ता 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 लोग फिजिकल आना खत्म हो गए और फिजिकल की टेंडेंसी खत्म हो गई, फॉर्म वाले छुट्टी नहीं देते तो लोग आ गए लाइव क्लासेस पे। फिर लाइव क्लासेस का जमाना भी खत्म हुआ और उसके बाद लोग चले गए रिकॉर्डेड क्लास पे। तो अभी आपको इस कोर्स में मैक्सिमम ऑफ द कैमरा कंटेंट, जैसे क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जो कि लोगों को पसंद होती है कि टीचर चलते फिरते और कोई लेक्चर दे रहा है, उसके बाद हम इस हर सेशन में इसमें थोड़ी थोड़ी सी अपडेट्स ट्वीक्स ऐड करते रहते हैं, बड़े मजे मजे के पास पेपर की डिस्कशन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम इसमें ऐड कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि लोग इस टाइम पे दो तरह के यूजर होते हैं, एक वो यूजर होता है जो रिपीट कर रहा है और रिपीट करके पढ़ रहा है। जो रिपीट कर रहा है वो जुलाई एंड पे रिजल्ट का इंतजार कर रहा होता है और रिजल्ट के बाद अगस्त में जाके कहीं इस कोर्स में आता है, जुलाई के एंड पे आ जाता है। और जो पहली दफा पढ़ रहा है उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी फॉर्म नहीं मिली, या फॉर्म मिली है तो अभी वो फॉर्म के साथ जरा स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। तो अगर आते साथ ही हम एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ाना शुरू कर दें या आपको टारगेट दे दें तो थोड़ा चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो हमने बड़ा मजेदार का सिस्टम रखा हुआ है कि आपकी ज्वाइनिंग डेट जो भी होगी स्टूडेंट की, टिल 28 जुलाई, हमारी ख्वाहिश है कि आप कैफ का एक रीकैप कर लें। कैफ के आपसे जो जो रेलेवेंट चैप्टर्स हैं, जो जो एसपीएम में हमारे काम आ सकते हैं, जिस जिस सब्जेक्ट में बीएमबीएस हो या एमएफए हो या कुछ भी, हमने क्या किया वहां से कुछ रिवीजन वीडियोस उठाई हैं और वो रिवीजन वीडियोस यहाँ आपके कोर्स में हमने ऐड कर दी हैं। उसका फायदा ये होगा कि आप जिस वक्त भी आए, रादर देन कि आप एकदम से एसपीएम में जंप इन करें, आप अपने कैफ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गो थ्रू कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उनको रिफाइन कर रहे हैं। पढ़ते हुए उन लेक्चर्स को वॉच करते हुए ये टेंशन नहीं होती कि मैंने रट्टा मारना है, मैंने याद करना है किस तरह से। उनका मकसद ये होता है कि आप बस कई दफा आप अगर एक बहुत ही गर्म जगह से ठंडे रूम में एंटर हो रहे हो तो एकदम से सर्दी गर्मी लग जाती है, आप एक बहुत ठंडे कमरे से बाहर निकल रहे हो तो आपको एकदम से गर्मी लगती है। तो दरमियान में समटाइम एक वो ब्लोअर होता है जो आपके ऊपर हवा फेंकता है, तो आप ठंडे कमरे से गर्म में निकलते हैं आपको एकदम से तकलीफ नहीं होती, आप गर्म से ठंडे में आते हैं आपको तकलीफ नहीं होती। तो ये समझिए कैफ का रिकैप जो है ना वो ब्लोअर है। आप बड़े अरसे से पढ़ाई से आउट हैं, आपने अभी तक नहीं ज्यादा चीजों को देखा, आप बहुत सारी और टेंशन में थे, अब पढ़ाई की तरफ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो कैफ का रिकैप है ये मकसद ये है कि ये तकरीबन महीने तक की ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें आप जो है ना जब बैठें तो आप हल्की सी एक वीडियो देख ली, 1 घंटे तक एक चैप्टर को पूरा समझ लिया और ये डर भी नहीं है कि पेपर में इसमें से सवाल आ जाए, उससे एक बेस बन जाएगी। जब कैफ की बेस आपकी रिकैप हो जाएगी ना तो फिर एसपीएम आपके लिए तेजी से पढ़ना काफी आसान हो जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने सारे सिलेबस को वीकली स्केड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर वीक नजर आ रहा है और हर वीक के आगे उसका टारगेट नजर आ रहा है कि हाँ भाई इस वीक में आपने ओरिएंटेशन और चैप्टर 11 करना है, इस वीक में आपने चैप्टर 12 13 करना है, इस वीक में चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 7 करना है, और ये आपके पास नजर आ रहे हैं। देन राइट साइड पे आपके कुछ आपको एक्टिविटीज नजर आ रही है। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से हो ही रहा है कि हम लोगों ने हर वीक लाइव सेशन रखा है, यानी कि होता ये है कि जब आप एक स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास देते हैं तो कहते हो ये तो प्री रिकॉर्डेड है, तो टीचर तो मुझे कोर्स बेच के भाग गया। अब बच्चों को लग रहा होता है कि टीचर पता नहीं कहाँ है, टीचर से तो हम रابطہ भी नहीं कर सकते, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आके मैसेज वगैरह करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि बस मुझे कोर्स मिल गया, उसे जेब में रख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा चलो इसको हम कब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ फायदा ये है कि हम आपके साथ साथ लाइव सेशन कर रहे होते हैं। पिछले 2-3 सेशन से मैं वीकली लाइव सेशन कर रहा होता था और बहुत सारे वीक में अकेला ही उदास उदास होकर चला जाता था। इस दफा हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया और हम इसको 2 वीकली पे ले गए हैं। हर अल्टरनेट वेनेसडे पे अगर आपका एक लाइव सेशन हो रहा हो तो उसका फायदा ये होगा कि आप अपने सिलेबस में कहीं पे भी, आपको पता होगा मैंने लाइव सेशन का टाइम रात 10 बजे का रखा है। रात 10 बजे का लाइव सेशन का टाइम रखने का मकसद ये है कि आप कहीं पे भी हैं, आपके थोड़ा लेट सेटिंग हो रही है या खाना वगैरह है तो आप रात 10 बजे तक इजी अवेलेबल हो जाएं। 2 हफ्ते में एक दफा ऐसा दिन आए जिसमें आप लाइव सेशन में आए और कहें सर मैंने चैप्टर 4 पढ़ा है, मुझे ये वाली बात नहीं समझ आई, सर चैप्टर 7 को मैं चैप्टर 3 से जोड़ता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम आता है, सर वो पास पेपर की मैंने वीडियो देखी है, मुझे इस वाले सवाल में ये नजरियाती इख्तलाफ है। आप आए जिस तरह से इस वक्त आप लाइव सेशन में हैं, इसमें हम गो टू वेबिनार पे हैं, इसमें आपकी वॉइस बंद हुई हुई होती है। जब हमारे लाइव सेशन होते हैं वो गो टू मीटिंग पे होते हैं। गो टू मीटिंग एक 2-वे कम्युनिकेशन का टूल है जिसमें आपका माइक भी ओपन होता है, आप आते हैं 5 6 7 8 10 12 जितने भी बच्चे आए, एक क्लास का सा माहौल बना हुआ होता है, मैं कैमरा ओपन करके सामने बैठा होता हूँ और आप सवाल पूछ रहे होते हैं, मैं सवाल को जवाब दे रहा होता हूँ, तो हमारी एक लाइव मीटिंग जैसे जूम मीटिंग होती है उसी तरह से गो टू वेबिनार गो टू मीटिंग की एक मीटिंग शुरू हो जाती है।
और आपके जो जो प्रॉब्लम उस पूरे वीक के होते हैं या उन 2 वीक्स के होते हैं आप वहां पे पूछते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको चंद दिन अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं इस वक्त लाइव सेशन में हूँ और आप साथ साथ टीचर से कनेक्टेड रहते हैं। तो होगा ये कि आप जब कैफ की रिकैप से फ्री होंगे तो जैसे ही आपकी ओरिएंटेशन और चैप्टर 11 जो आपका फर्स्ट वीक का टारगेट पूरा होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका लाइव सेशन होगा। हम लोगों ने हर अल्टरनेट वेनेसडे पे लाइव सेशन रखा है और ये लाइव सेशन आपने याद रखना है कि रात 10 बजे। तो आप डिफरेंट तरह के लाइव सेशन जो है जो सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आप अटेंड करेंगे, देन उसके बाद एंड पे एक फुल बुक लाइव सेशन भी होगा। यानी कि जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ फुल बुक का लाइव सेशन रखूंगा। आप पूरी किताब पढ़ के आए होंगे, उसे एक दिन 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितनी भी देर लाइव सेशन चले कोई मसला नहीं। आप सब लोगों के जितने भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब दे रहे होंगे हम, और उससे हमारी एक बड़ी जबरदस्त सी मजेदार सी एक्टिविटी हो जाएगी। देन उसके बाद हम आईकेप के एग्जाम से ठीक 2 हफ्ते पहले आपसे मॉक ले रहे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस मॉक की डिस्कशन और उसके ऊपर हम डिफरेंट एक्टिविटी रखें ताकि हम आपस में कनेक्ट कर सकें। तो ये बड़ा सुपर इंपॉर्टेंट पेज है, ये पूरे स्केड्यूल का मैप है। अगर आप मेरी ओरिएंटेशन सुन रहे हैं किसी ऐसे टाइम पे जब स्टार्ट हुए हुए इसको 2-3 हफ्ते हो गए तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ा सा एक्सेलरेटेड पेस पे चल के दोबारा क्लास के साथ आप मिल सकते हैं। आइडियली अगर आप इस तरतीब से चीजों को लेके चलेंगे तो एसपीएम तैयार भी अच्छे तरीके से होगा, आपकी ग्रिप भी अच्छी आएगी और आप साथ साथ अपने सवाल, इश्यूज, प्रॉब्लम भी रेज कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा सामने वन पेजर है, ये वन पेजर आपको जगह जगह काम आने वाला है। कि हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो हमारे डिस्क्रिप्शन आ रही होती है उस डिस्क्रिप्शन में भी इसको हम डाल देंगे। एक गूगल ड्राइव का लिंक होता है, उस गूगल ड्राइव के लिंक में ये पड़ा हुआ होगा, आप जब भी चाहें तो आप इसे